मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रतिमा देवस्वाल। दिस इज क्लास 9 ऑनलाइन वीडियो चैप्टर 8 एंड पार्ट कॉज वीडियो। बच्चों, जैसे कि हम लोगों का हाफ ईयरली जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हमारे 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी हमारा 8वां चैप्टर ये हमारे हाफ ईयरली सिलेबस का जो है लास्ट चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद बच्चों आपके रिविजन स्टार्ट हो जाएंगे, आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और आपका हाफ ईयरली कोर्स जिससे कि अच्छे से कम्प्लीट हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो जो हमारा 8वां चैप्टर है बच्चों, वो क्या है? वो है बच्चों मोशन। मोशन मीन्स होता है गति। हिंदी में हम कहते हैं गति और इंग्लिश में होता है मोशन। तो बच्चों मोशन हम समझ सकते, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें अगर कोई फोर्स दे दिया जाए, उसमें कोई बल लगाया जाए, तो वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिप्लेस होकर थोड़ा इधर उधर हो जाती, आगे बढ़ जाती है। तो बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट वस्तु ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो जिस प्रोसेस को अपनाती है उसे हम कहते हैं गति। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो उसे हम कहेंगे स्थिर, स्टॉप। उसकी जो स्टेट होगी वो स्टॉप होगी। लेकिन अगर उसे रुकी वस्तु को फोर्स दे दिया जाए तो उसमें क्या होगा? वो मोशन में आ जाएगी, वो गति में आ जाएगी, वो चलने लगेगी, अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी और एक डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है बच्चों? तो जब कोई स्थिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करके डिस्प्लेस हो जाए तो उसको उस वस्तु की गति कहते हैं, ऑब्जेक्ट की गति कहते हैं। मतलब कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में ना रहे, वो अपनी स्थिति हमेशा लगातार बदलती रहे, तो हम कहेंगे कि ये वस्तु जो है वो गति में है, मोशन में है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, आपने बॉल को सरफेस पर रखा, ठीक, फिर आप उसको क्या किया, थोड़ा सा पुश कर दिया। जब पुश किया तो बॉल क्या है, वो सरफेस पे लुढ़कने लगेगी। मीन्स वो कभी एक स्थिति पर रहेगी फिर अगली स्थिति में चली जाएगी, ऐसे वो उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसमें डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि बॉल जो है वो गति कर रही है, बॉल जो है वो मोशन में है। ठीक है बच्चों? तो हमारे जो चैप्टर है, तो विभिन्न वस्तुओं की गति किस प्रकार की होती है, गति में क्या होता है, गति के सिम्टम्स क्या है, इसी को हम इस चैप्टर में अब डिस्कस करेंगे। हमारे जो चैप्टर मोशन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट अदर इन मोशन। तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कुछ वस्तुएं रेस्ट में रहती है, दूसरी मोशन में रहती है। अब देखिए हमारी जो ये जो व्हाइट बोर्ड है वो क्या है, वो रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट है, ठीक। और जब मैं इसको लिख रही थी तो हमारा पेन जो था वो मोशन में था, वो पहले 0 पर गया, फिर यहाँ लाइन गया, फिर ये बनाया, फिर 5, फिर 10, इस तरह से वो क्या था, अलग अलग अपनी स्थितियां चेंज कर रहा था, तो वो मोशन में था, ठीक। ये जो हमारा ये जो फिंगर अभी इस वक्त क्या है, ये मोशन में चल रहा है, 5 पे गया, फिर 10 पे गया, फिर 15 में, फिर 20 पे, इस तरह से। और अगर मैं अपने हाथ यहाँ से यहाँ रख दूं तो ये क्या है, ये रेस्ट है। तो मीन्स ऑब्जेक्ट जब कहीं स्टॉप रहती है, अपनी स्थिति को चेंज नहीं करती है, तो वो स्थिर रहती है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी सिचुएशन को, अपनी स्थिति को चेंज करती रहती है, तो वो मोशन में आ जाती है, ठीक है। देखिए, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई, फिर स्विम, जैसे कि चिड़िया उड़ रही है तो ये मोशन कर रही है, या मछलियां तैर रही है, स्विम कर रही है तो ये मोशन कर रही है, या ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो क्या है, मोशन है, हमारे ब्लड का मोशन है, या हमारी ब्लड की गति है, ठीक है। तो एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लांट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज आर ऑल इन द मोशन। तो आपको पता ही है कि जो हमारे एटम्स होते हैं या हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, लिक्विड में देखिए मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, या गैसेस में मोशन में रहते हैं, सॉलिड में जो वो बंधे रहते हैं, लेकिन उनको भी कोई हीट या टेम्परेचर दिया जाए तो उनके भी मॉलिक्यूल्स मोशन में आ जाते हैं, और जो वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते रहते हैं गैस, तो मोशन में आ जाते हैं। मीन्स बहुत से आप पेड़ के पत्ते जो है हवा से टूट के उड़ने लगते हैं, मोशन में आ जाते हैं, और जब पेड़ों पर रहते तो स्थिर रहते हैं, जब हवा आती तो पेड़ की जो वो स्टिक है, जो ट्विग है, वो भी मोशन में आ जाती है। तो स्थिर वस्तु जब अपनी स्थिति चेंज करने लगे तो वो मोशन में आ जाती है, ठीक है बच्चों, उसे हम कहते हैं उस मोशन कर रही है, यानी गति कर रही है। तो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलते रहे तो हम उसे कहते हैं कि ये मोशन कर रही है, गति कर रही है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं जब हवा चलती है तो ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो मोशन में आ जाती हैं, ठीक है, या हमारा जो है चिड़िया जब
ट्री पे बैठती हैं तो उनके फोर्स के कारण वो मोशन में आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि कभी किसी कोई वस्तु जो मोशन में है, कोई वस्तु अगर मोशन में है तो उसके अंदर बैठा व्यक्ति या उसके अंदर रहने वाला ऑब्जेक्ट स्थिर भी रह सकता है। जैसे कि हमारा जो एग्जाम्पल चैप्टर में दिया है, एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको एग्जाम्पल दिया है, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड वी मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। व्हाट कॉसेस द फिनोमेनन ऑफ सनराइज? सनराइज द चेंजिंग द सीजन डायरेक्टली मोशन ऑफ द अर्थ। तो बच्चों, इसमें क्या, जो अभी मैंने बताया आपके एग्जाम्पल यही बता रहे कि जैसे कि पौधों की पत्तियां मूव करती है या पेड़ के ट्वीग मूव करते हैं या हमारा जो सन रेज है, सन रेज हमारे पृथ्वी तक, देखिए रात में सूरज नहीं रहता लेकिन जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो वो किरणें और रेज जो है मोशन के कारण कब तक पहुंच सकती है। अगर मोशन ना हो तो हम एक दूसरे से कनेक्ट ना कर पाए, अगर मान लीजिए मोशन ना हो तो हमारा मूवमेंट भी नहीं होगा, मोशन नहीं होगा तो हम फूड और शेल्टर कैसे अपना यूज कर पाएंगे। जो हमारे एनिमल्स हैं वो फूड और शेल्टर के लिए जब मोशन करते हैं, गति करते हैं, तभी तो फूड और शेल्टर को खोज पाते हैं, वरना अगर उनके अंदर मोशन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो वो कैसे भोजन ग्रहण करेंगे और कैसे वो अपने लिए एक शेल्टर तलाश करेंगे जहां वो सुरक्षित रह सके। तो मोशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोगों के जीवन की लाइफ में, मोशन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बता रही हूँ, अब कभी कभी कोई मूविंग व्यक्ति जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, और हमें कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर मूव कर रही है तो अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रही है तो वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है, वो स्थिर। जैसे कि एक बस है तो बस एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, वो क्या कर रही है, वो एक डिस्टेंस कवर कर रही है, तो वो एक दूरी कवर कर रही है, तो वो क्या है, मोशन में, गति में। लेकिन बस के अंदर जो बैठने वाले पैसेंजर्स हैं वो क्या है, वो मोशन में नहीं है। जब हम बस में बैठे होते हैं तो हम क्या है, रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, हम अपनी जगह बैठे रहते हैं, लेकिन वो जो हम जिस बस में बैठे हैं वो बस ही पूरी फर्दर चली जा रही है, वो मूव कर रही है, उसके अंदर मोशन है, इस वजह से हम एक दूरी से दूसरी दूरी कवर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मोशन में एनर्जी जो लगती है तो हम लोग अपनी एनर्जी नहीं खर्च करते, हम क्या करते हैं, हम एनर्जी जो हमारा पेट्रोल देता है। तो जब हम किसी बस में बैठेंगे तो अब ये नहीं कहा जाएगा कि जो बस के अंदर बैठा व्यक्ति है वो गति कर रहा है, हम ये कहेंगे कि बस गति कर रही है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही गति वही कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन आप मान लीजिए जब आप किसी बस में बैठते हैं तो क्या होता है कि आपको, आप बैठे होते हैं लेकिन आपको पेड़ चलते दिखाई देते हैं, रास्ते चलते दिखाई देते, ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पीछे जा रहे हो, क्योंकि हम बस में बैठे हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो हमारे आंख का जो रेटिना का सिस्टम है तो वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके ऑब्जर्वेशन के कारण हमें ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, पेड़ अपनी जगह स्टैंड होते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर यही आप पेड़ के पीछे खड़ा व्यक्ति अगर देख रहा होगा तो उसको दिखाई देगा कि बस गति कर रही है, और उसको ये साफ साफ दिखाई देगा कि उसके अंदर बैठे पैसेंजर जो है वो रेस्ट अवस्था में, वो गति नहीं कर रहे, उनके अंदर मोशन नहीं है। तो मोशन का कॉन्सेप्ट बस ये है कि जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करके डिस्प्लेस हो रही है, मीन्स विस्थापित हो रही है, तभी उसमें गति पाई जाएगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारे कई तरह के मोशन होते हैं, अभी तो हम पहले लीनियर मोशन पे हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, हम लीनियर मोशन को ध्यान रखकर पढ़ेंगे, तो कोई वस्तु सीधी रेखा में विस्थापित हो रही है, लेकिन हमारे जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे लाइफ में कई प्रकार की गति होती है। जैसे सर्कुलर मोशन, क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट से चलता और घूम के फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो विस्थापन तो बिल्कुल नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन वो मूव करता है उसमें मोशन होता है, लेकिन जब वो मूव करता है तो उसी टाइम उसमें मोशन होता है, और बाकी तो वो फिर रेस्ट स्थिति में आ जाता है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी, उसकी गति हम ज्ञात कर सकते हैं, उसकी
मूवमेंट स्पीड ज्ञात कर सकते हैं और उसका वेग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसमें विस्थापन कुछ नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट और मोशन तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अभी आपको आगे और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी स्थिति को समय के साथ बदलता है तो वो स्थिति गति में कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट में मूव इन स्ट्रेट लाइन। तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि मोशन बहुत से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जैसे कि एक आपका लीनियर मोशन हो गया, एक आपका सर्कुलेशन मोशन हो गया, एक में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट अपनी धुरी पर ही गोल गोल ऐसे से घुमा करती है, जैसे कि हमारी पृथ्वी आपको पता है ना, जिसे हम हिंदी में घूर्णन गति कहते हैं और इंग्लिश में रोटेटरी मूवमेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पे पृथ्वी गोल गोल ऐसे 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 एक ही पॉइंट के किनारे किनारे ऐसे घूम रही है। सर्कुलर मोशन में क्या है, बीच में एक पॉइंट है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हम मेरी उंगली ऐसे ऐसे ये सर्कुलर मोशन कर रही है, लेकिन मेरी उंगली अगर ऐसे 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 पूरा घूम जाएगा मेरा हाथ, या मान लीजिए ये जो बुक है ये अपनी ध्रुव ऐसे ऐसे घूम रही है, अगर तो ये क्या कर रही है, घूमना गति है, रोटेटरी मूवमेंट कर रही है, रोटेटरी मोशन कर रही है। ठीक, और एक होता है वाइब्रेशन मोशन, जिसमें एक पॉइंट भी रहता है पूरा घूमते हुए ऐसे 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 वाइब्रेट, हमारा मोबाइल सबका वाइब्रेट करता है ना, अपने स्थान पर रहकर हल्का सा कप कप आता है, तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर ये वाइब्रेट करा तो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। ठीक है, पूरी बॉडी एक ही जगह पे पूरी तरह मूव भी नहीं करेगी, एक ही जगह पे अगल बगल, इसे हम ऑक्सिलरी मोशन नहीं कहते। कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भी मूव करता है अपनी मीन स्थिति के इस तरफ उस तरफ इस तरफ उस तरफ, मीन स्थिति के इधर उधर मूव करता है, तो इसे हम ऑक्सिलरी मोशन कहते हैं। तो हमारा जो मोशन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं टेक अ सर्कुलर पाथ, तो कोई गोले में चलता कोई, तो लेकिन हम यहां पर है स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट लेकर मोशन को पहले डिफाइन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्राइबिंग मोशन, तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर देखिए आपको एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है, तो बच्चों हम ये अभी हम इसको डिस्क्राइब, तो हम ये बता रहे हैं कि किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए उसका ओरिजिन पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट या एक पर्टिकुलर रेफरेंस देना बहुत जरूरी है कि कोई वस्तु कोई ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से चली थी, मीन्स आपको पास्ट पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट जिसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं वो हमें उसको डिस्क्राइब करना बहुत जरूरत है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि राम अपने घर से स्टेशन गया था, उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो उसे हम क्या बताएंगे कि बच्चों अपने घर से गया था, मीन्स वो जहां से चला था, तो अपने घर से चला था तो जो उसका घर है वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट है, मीन्स जहां से वस्तु निकलती है जहां से स्टार्ट करती है मौसम, उसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस ये किसी भी मौसम में हमको रेफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही हम मोशन को काउंट कर पाएंगे। ठीक बच्चों, तो ओरिजिन पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे कि ये अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन में ये मोशन है, हमें यहाँ पर केवल ये डिस्क्राइब करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ रही है कि मोशन और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें। ठीक है, देखिए जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ओ पॉइंट से चला, ठीक, वो चलते चलते 25 किलोमीटर तक चला, सी पॉइंट पे पहुंचा, फिर 10 किलोमीटर और चला, बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर 25 किलोमीटर और चला, 25 चलेगा 5, 10, 15, 20, 25, फिर 25 किलोमीटर को और चला और 60 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक, फिर ये ऑब्जेक्ट वापस बी पॉइंट से होते हुए सी पॉइंट से होते हुए जीरो पे आ गया। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट जब सी पॉइंट पे पहुंचा था तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, 25 किलोमीटर। जब वो ए पॉइंट पे पहुंचता है मान लीजिए, तो उसका ये 25 और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 60, और वापस फिर ये सी पे आ जाता है। तो हम 0 से 60 से, हम इसे कैसे काउंट, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ओ से चला ए तक गया और वापस सी पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों ओ ए प्लस ए सी इक्वल कितना हो गया, ओ से लेकर ए कितना है, प्लस 60 से लेकर सी कितना है, 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35. तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये चला कितना है 95 किलोमीटर, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है केवल 25 किलोमीटर। ठीक है, वही अगर ये ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट चल के ए पॉइंट पे गया और ए से वापस होके आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। Thank you.
40 सेकंड वो 10 मीटर चल रहा है, ठीक, 40 सेकंड में अगर वो 10 मीटर चल रहा है तो बच्चों अगर 40 सेकंड में 10 मीटर जाता तो इसे हम वो वाले मैथ का सवाल हम उस वाले से हल यहाँ अगर 40 सेकंड में जाता कितना है 10 मीटर, ठीक, तो 8 सेकंड में कितना जाएगा 10/40 मीटर, ठीक है। तो बच्चों 140 सेकंड में कितना जाएगा, 35 मीटर। अगर 40 सेकंड में 10 मीटर जाएगा निश्चित समय से निश्चित दूरी नहीं तय कर रही है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे।
ठीक है। जैसे कि हमारी कार है वो कभी उसकी एवरेज मान लीजिए स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मीन्स एक घंटे वो 80 किलोमीटर जा रही है, लेकिन वो कभी वो क्या कर रही है, और मान लीजिए उस कार ने 4 घंटे में 320 किलोमीटर उसने दूरी कवर कर ली है, लेकिन उसने क्या किया है, पर आवर उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज निकाली गई है, लेकिन वो क्या कर रही है कि पहले घंटे ब्रेड को केक को फुलाने के लिए इसका यूज किया जाता है, ईस्ट जो कि एक फंजाई है, ठीक है बच्चों। फिर सम बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड वी ईट, तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हम जो खाना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तो कुछ इसमें से हम फूड आइटम के साथ फूड आइटम में मिक्स होता है जो हम खाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टमक में भी रहते हैं, ठीक है बच्चों। वी ऑब्टेन मेडिसिनल फ्रॉम सम बैक्टीरियाज एंड वायरस, और बहुत से बैक्टीरिया वायरस जो है वो मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं। सम माइक्रोब्स आर हार्मफुल टू अस एंड कॉजेस डिसीजेस, और कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं बच्चों, वो रोगों का कारण बनते हैं, वो हमें रोग हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। दिस माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स एंड पैथोजेंस, तो ये जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया या वायरस है उन्हें हम जर्म्स या पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कॉजेस डिसीजेस सच एज टाइफाइड टिटनेस एंड कॉलरा, तो बैक्टीरिया से जो डिसीजेस होते हैं वो जैसे कि टाइफाइड हो गया या टिटनेस हो गया या कॉलरा हो गया, ये सभी क्या है, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। और वायरस कॉजेस डिसीजेस सच एज फ्लू, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्स एंड कॉमन कोल्ड, या अभी जो कोरोना आया है, तो ये सभी क्या है, वायरस से फैलने वाले रोग हैं। फंजाई मेनली कॉजेस स्किन डिसीजेस सच एज रिंगवॉर्म, कैंडी डिसीजेस एंड एथलीट्स फूड, तो बच्चों ये सभी क्या है, ये जो फंगस से डिसीज होते हैं, तो एथलीट्स फूड देखिए पैरों में जो सड़न हो जाती है, या रिंग वार्म जिसे हम लोग दाद कहते हैं, या कैंडी डिसीजेस जो होता है ये फंगस के कारण स्किन जो है स्वेल्ड हो जाती है, तो ये सभी फंगस से होने वाले रोग हैं। और प्रोटोजोआ कॉसेस डिसीजेस सच एज डिसेंट्री एंड मलेरिया, तो मलेरिया या डिसेंट्री या डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं, तो ये डिसेंट्री या मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। तो बच्चा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप सभी को ये आपको ये एक्सरसाइज करना है, ये तो आपको समरी है, इसके बाद ये आपका एक्सरसाइज है, तो सभी बच्चे ये एक्सरसाइज जो है करके पोस्ट करेंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो कल मैं इसका सॉल्व एक्सरसाइज आपको पोस्ट करूंगी, तो आपके होमवर्क के लिए आपको गुड लक फॉर योर होमवर्क, थैंक यू।